हेलो फ्रेंड, आप सबों का स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो एकदम डिफरेंट होने वाला है। अब आप लोग एक दो ब्लॉग के बाद इस घर को नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं किसी और घर में। इस घर में इतने ही दिन हम लोग का रहना था और एक दो दिन के बाद हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। और हम लोग का पैकिंग जो है आज से स्टार्ट हो गया ना इंजन। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड देखिए, घर में पूरा कार्टून का अंबार लग चुका है, पूरा भर गया है। ढेर सारा कार्टून लाए क्योंकि कार्टून से ले जाएंगे ना तो सेफ रहेगा। यहाँ से चालू हो गया इस बैग से, इसमें सारा एंजल का कपड़ा, अच्छा कपड़ा डाल दिए हैं। अब इसमें हम सारा जो बुक कॉपी किताब है जो अभी यूज नहीं होता है रखा हुआ, उसको हम डाल के पैक कर देंगे। जो जो सामान, हाँ यूज भी होता है तो पूरा कार्टून। नहीं घुसना है, फट जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं और गर्मी भी लग रहा तो फैन को चला लेते हैं। जल्दी जल्दी बुक कॉपी सब डाल लेते हैं। एंजल के पापा आएंगे ना तो फिर हम लोग वहाँ भी जाएंगे, आज सफाई कर देंगे क्योंकि कल सैटरडे है। फिर चर्च जाएंगे, आ करके जो जो सामान हम लोग स्कूटी से पहुँचाने जैसा होगा ना, बैग सब में, वो सब हम लोग धीरे धीरे करके पहुँचाएंगे क्योंकि संडे को टोटल सामान करना ना बहुत टाइम लगेगा और हम लोग बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा सा चुप रहिए, बोलने दीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी डाल लेते फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें एक कार्टून बुक जितना ओल्ड बुक था उतना यूज नहीं होता है, उसको हम एक कार्टून में डाले हैं और यहाँ पर हम लिख दिए हैं ओल्ड बुक। और एंजल भी इसमें मेरा बहुत हेल्प की है बुक डालने में ना। हाँ हाँ, एंजल को ब्लॉग बनाना है। हेलो गाइस, देखिए मम्मी कितना काम कर दी है। तो अभी काम नहीं करती है तो अभी काम होगी मेरा। तो अभी यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी काम हुआ, सच्ची में काम हुआ तो ब्लॉग ये बन गई है। मुझे भी बोल कर, एंजल को एकदम ब्लॉग में आना जरूरी है। तो फ्रेंड अभी एंजल के पापा भी आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, थोड़ा साफ सफाई कर देंगे आज। और उसके बाद में कल से जो है ना, हम लोग जो हम लोग का स्कूटी से जाने लायक वो सब सामान ले जाएंगे क्योंकि इतना सारा है ना, गाड़ी में लोड करना उतारना हम लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा स्कूटी करके ले जाएंगे ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और इधर हम भी है ना, थोड़ा टाइम भी लगेगा इसलिए थोड़ा दूर है तो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी सामान भी लेकर के जाना है। तो उस अनुसार से अगर हम लोग अभी से सेफ नहीं करेंगे तो एक बार में तो जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। इतना दिन तक हम लोग इस घर में रहे, इस घर के साथ में बहुत लगाव हो गया, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इसीलिए देखिए ब्लॉग, इसके लिए ब्लॉग में ये घर, इस घर की याद है क्योंकि इस घर में एंजल आई है। तो ये घर तो खास है ही, लेकिन एक anyway, मतलब अच्छा लगा सबको के साथ में रह करके भी। और सभी को यहाँ पर एक क्या था ना, एक माहौल बना हुआ था लोगों के साथ में, ऐसा हर एक लोगों के साथ क्या करे। एक रेंटर का लाइफ जो होता है वो एक जगह स्थिर नहीं। तो हाँ, जब हम लोग अपना घर बना लेंगे तो एक जगह स्थिर हो जाएंगे। और इधर जो जितना कपड़ा था टब में दिखाते रुके, इसमें जो जितना कपड़ा था उसको सारा इस बैग में डाल दिए हैं ताकि क्या हो ना, बाद में जो डस्ट होगा ना तो कपड़ा सब खराब नहीं होगा, इसीलिए पहले कपड़ा सब हम डाल दिए। और ये जो है इसको कल चर्च पहन के जाएंगे, एंजल फ्रॉक को पहन के जाएगी, ये उसका बर्थडे वाला फ्रॉक इसीलिए रख दी है। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हो रहा है रूम का साफ सफाई कर रही है और उसका मनपसंद रूम भी मिल गया है और मस्त में देखिए कचरा भी निकाली है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये रूम्स तो बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर से बनाया हुआ है। ऐसे ही इतना बड़ा बड़ा रूम इनको पसंद था तो उसको ऐसे ही रूम मिल गया है। हाँ बेटा, मी दीदी फुला देगी, मी दीदी फुला देगी, मी दीदी फुलाएगी। तो ये हम लोगों का फर्स्ट रूम और यहाँ पर बीच में जो है ना ये वाला, ये हम लोगों का किचन प्लस हॉल दोनों है। तो ये मस्त है और इस प्रकार से बनाया हुआ है देखिए। और इधर में जो है ये एक रूम है, मतलब हम कह सकते हैं ये हमारे लिए मेन रूम है। ये
ये रूम भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया, इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा है। जब इन फ्यूचर अपना घर होगा तो इसी प्रकार से ही बनाएंगे। और एक है यहाँ पर बाथरूम, बाथरूम भी मस्त है और अच्छी तरीके से टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है। और यहाँ पर एक बेसिन है, इधर भी देखो दरवाज़ा है जैसे सीढ़ी हो सकते हैं। सो गाइस, हम लोगों का पानी साफ़ कर दे रहे हैं ताकि जो ये सब पानी है ना ये सब चला जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, साफ़ हो जाएगा एक बार, ताकि हम लोग फिर लेट ना करें, फटाफट हम लोग फिर रात में या कल जैसा बनेगा वैसे ही लोग शिफ्ट हो जाएंगे। और बहुत परेशानी हो जाता है, अभी जाकर रूम को भी अरेंज करेंगे, सब पैक करेंगे, जो भी सामान है सबको तो कर लेते हैं, वो भी हो गया है, ये वाला रूम भी हो गया। पूरा कर रही है, एकदम पूरा मेहनत कर रही है। तो ये सब को थोड़ा सा पानी है ना इसमें, साफ कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसको कर लिया जाए, पूरा पानी पानी भरा हुआ है, अभी साफ हो जाएगा तो मस्त हो जाएगा ना। यहाँ पर आराम से फिर रख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं सबको। इधर वो वॉशरूम में घुसा देते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ भी जा सकते हैं। पानी सभी किचन के नीचे, इधर पूरा भी गंदा हो गया है ना, सब पानी सभी। एक बार साफ हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा, फिर बाद में करेंगे इसको। लेते हैं तो फ्रेंड, वहां से हम लोग साफ सफाई करके आ गए थे, बहुत देर हो गया, हम लोग 5:30 बजे आ गए थे। आने के बाद तुरंत ना हम पैकिंग करना शुरू कर दिए थे, तो पैकिंग करते करते थोड़ा थक गए, तो सोचे थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कुछ कर लेते हैं। नाश्ता वास्ता किए, अभी फिर हम लोग लगेंगे पैकिंग करने के लिए, क्योंकि पैकिंग किया हुआ रहेगा ना तो कल सुबह टाइम नहीं लगेगा, और अगर पैकिंग नहीं रहेगा ना तो कल सुबह लोड करना पैक करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और इतना मतलब आज दिन भर धूप धूप में घूम के ना इतना ज़्यादा शरीर थकावट लग रहा है ना, मन कर रहा सो जाए, लेकिन सोने से तो चलेगा नहीं। चलिए दिखाते कितना पैकिंग हुआ है। देखिए ये बड़ा कार्टून एक पैक कर लिए, कल तो ये दोनों पैक कर ही लिए थे, ये दोनों यहाँ पूरा खाली खाली कर दिए हैं, यहाँ पूरा खाली कर दिए हैं। पूरा अस्त व्यस्त, घर का हालत बहुत ख़राब है। और इधर किचन में स्टार्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ एक कार्टून बर्तन सबको पैक कर लिए हैं, अभी भी सब धोए ना तो पानी झड़ने के लिए दिए हैं, तो इसको एकदम फाइनल लास्ट में पैक मतलब बंद करेंगे, उसको ऐसे ही अभी रहने देंगे, जो जो धोते जाएंगे इसमें डालते जाएंगे, क्योंकि बंद कर देंगे फिर जो बचेगा फिर दिक्कत हो जाए। अब बाकी अभी बच गया ये रैक, देखिए ये रैक बच गया, अभी एकदम तुरंत हम ये रैक को कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं।
यहाँ भी जो जो एक्स्ट्रा बेडिंग है उसको बांधा जा रहा है, और उधर रूम में देखिए वो गद्दा को, हाँ यहाँ एंजल देखिए यहाँ सो रही है एंजल, और घर का तो हालत बहुत ख़राब है। एंजल टॉर्च को खोल दी है, वही बोल रही है दिखाने के लिए। और इधर जितना डॉल सब था एंजल का, इसमें एक बेडशीट में बांध दिए हैं ताकि गंदा नहीं होगा, और ये बेड को पूरा समेट दिए हैं। वहाँ देखिए सेल्फ सबको भी खाली कर दिए हैं, और जितना देखिए तेल मसाला का डब्बा था इसमें सारा को डाल दिए हैं, और यहाँ पूरा खाली। हम कितना प्यार से कितना मेहनत से इसको सजाते थे, लेकिन हाँ जब तक रहो तब तक सजाओ, जाके रखो अपना घर जैसा समझ के रखो, और उसके बाद जब जाना है तो फिर नया आसियाना को फिर सजाएंगे। इसलिए डोंट वरी, चिंता ना करने का। तो ऐसे ही चल रहा है पूरा घर, देखिए एकदम रन बन। गैस को भी पूरा धोधा के साफ कर लिए हैं, उधर दो तीन डब्बा सबको साफ किए हैं, और बर्तन यहाँ भी कुछ कुछ है धो दिए, सूख जाएगा तो उसमें डालेंगे। बस यही सब चल रहा है, थोड़ा बड़ा अभी नीचे है सबको कर लेंगे तो। और यहाँ मूढ़ी इसलिए रखे ना, मूढ़ी रखे हैं या मिक्सचर रखे हैं, तो कुछ तो नाश्ता कर लिए हैं, कुछ नाश्ता तो तभी किए थे, अब भूख लगेगा ना, बस मूढ़ी मिक्सचर खाना और सो जाना है सुबह उठना। और एकदम हालत ख़राब हो गया है, कैसे दिख रहे हैं, एक तो टेंशन बहुत ज़्यादा, कैसे होगा क्या होगा, उसका तो टाइम से खाना पीना नहीं सोच सोच करके, और फिर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी पूरा रूम का जो सेल्फ है उसका पूरा सरियाना है, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड हम लोगों का लगभग वो आधा से ज़्यादा पैकिंग हो ही गया है, और नींद से आँख पूरा देख रहा बंद हो जा रहा है, और अभी बज रहा है 12:30। सुबह उठना भी है, कैसे उठेंगे पता नहीं। इधर का देखिए करना था ना पूरा कर लिए, और इंजन तो तबियत सो चुकी है, और इधर इतना कुछ मोबाइल में देख रहे हैं, और हम सोचे जितना किए ना सबको सबको जल्दी जल्दी लोड करना है और वहाँ पर उतारना है, उसके बाद जो बाकी कुछ रहेगा उसको ऐसे ही पैक पैक के डाल करके और लेके चल जाएंगे, तो पैक करते रहने से ना एकदम एकदम बहुत हालत ख़राब हो जा रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह नए घर में शिफ्टिंग के साथ। तो चलिए तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।